हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीरा अल्फास एकेडमी। पिला माने आज हम गोटे नुआ चैप्टर विषय पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आम ज्योमेट्री गोटे पार्ट है कि बहुत ही इजी चैप्टर, टिके बुझीजी आराम से फुल मार्क आसो। ट्रिग्नोमेट्री फुल मार्क आसो, टोटाल टेनसन होवार ना। कौन जिन तुमको मुखस्त करा पड़ा नहीं, कौन से फर्मुला तुमको मुखस्त करा पड़ा नहीं। जो मैंने नाइन्थ सब पढ़ तुम सब से जो सेकेंड चैप्टर कष लगुव कौ फर्मुला कौटी पकईबी जान पार नी ये फर्मुला ये पड़ा आउ गोटे फर्मुला आउ गोटे पड़ा। मुझे तीन टा रूल कह तीन टा रूल जिते ट्रिग्नोमेट्री पाठ हो सब तुम सल्व होते। ट्रिग्नोमेट्री जो एल एच एस आर एच एस प्रूफ वाला क्वेश्चन ना सब सल्व होनली तीन टा रूल है कि पूर्व आम खाली ट्रिग्नोमेट्री कौन जानदा तुम जो मन जो मुखस्त करते सब 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 0 डिग्री किसी मुखस्त करना ना। गोटे खाता गोटे पेन तुम टोटाल गोटे टेबुल देदेवि गोटे भी भैल्यू मन रखे ना टोटाल टेबुल तैयारी हम है कि खाली आम सहित जोड़ी ही रुह आगे बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग जिन सब जानव है। तो आम चैप्टर ना हो ट्रिग्नोमेट्री टी खाली तक जानदा इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री कौन है कि जानदा। तो ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री होची मैथमेटिक्स गोटे ब्रांच जी कि क्या सहित डील करे ना से साइड और एंगल का रिलेशनशिप भितर डील करे मेजरमेंट सहित डील करे है कि तेल जो ट्रिग्नोमेट्री गोटे शब्द गोटे वार्ड आसला कौटू से ट्रिग्नोमेट्री आसला आम गोटे ग्रीक वार्ड रू है गोटे ना दुईट ग्रीक वार्ड मिसिका आम ट्रिग्नोमेट्री तैयारी होती ट्राइगुण आज मेट्रन। ट्राइगुण मीन तीन टा कोण, ट्राइ मीन त्रिकोण मान हूँ मोर एंगल कोण, मेट्रन मीन हूँ मोर मेजरमेंट है। तो तीन टा कोण मेजरमेंट हूँ ट्रिग्नोमेट्री। सेमती प्रथम ट्राएंगल मान भितर एंगल आउ साइड मान भर जो रिलेसनशिप अच्छी किए बाहर करते किए एस्टाब्लीश करते आम हिपाकस नामक जो सैंटिस्ट एस्टाब्लीश करते आंकरी थीओरी को लेकिन ऑयलर्स नामक जो सैंटिस्ट आम कौन कले ना ट्रिग्नोमेट्री सब्जेक्ट को कौन कले ना आम डेवलप कले। तो बहुत पे जानव ट्रिग्नोमेट्री यूज हुए नाइन्थ पढ़ थोड़ा केवल राइट एंगल ट्राएंगल नुहे। ट्रिग्नोमेट्री आम सब ट्राएंगल यूज कर पार्बा किंतु राइट एंगल राइट एंगल ट्राएंगल यूज करा इज से आम सब राइट एंगल ट्राएंगल ही नहीं था गोटे ट्राएंगल देखा है कि आक्चुअली आम जो ट्राएंगलटा अच्छे ट्राएंगल आम कौन कौन सब मेजरमेंट कर पार्बा। मुझे ट्राएंगल ना फास्ट दे दूसरी आ ना दे ए बी आउ सी है कि आम ट्राएंगल कौन कौन सब मेजरमेंट आम कर गोटे ट्राएंगल आम गोटे ट्राएंगल आम कौन कौन मेजरमेंट कर पार्बा गोटे ट्राएंगल आम तार एंगल मेजरमेंट कर कोण मेजरमेंट करोण किए किए सब कहपिले ए कोण अच्छी गोटे गोटे बी कोण अच्छी गोटे सी कोण अच्छी मुझे कौन मैपर प्रोडक्टर यूज करना आउ कौन मैपरि ना मुझे साइड मैपर देख ए कोण सामना साइडा हूँ मोर ताको स्मल एम लिखे समय जान बी कोण सामना साइड को आम स्मल बी लिखि था आ सी कोण सामना साइड को आम स्मल सी बोले डिनोट करता तेल आम आधे ए बी सी एंगल भाग करपरिया आउ ए बी सी साइड भाग करपरिया गोटे गोटे ट्राएंगल आम एति जिन ही मेजरमेंट कर पार्बा प्रोटेक्टर और स्केल चोरीना कि ट्रिग्नोमेट्री आम कौन करना ना विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर आउ स्केल आम समस्त जब गोटे एंगल आ गए साइड भी आम देना आम समस्त मानने भैल्यू मेजर कर पार्बा। यहाँ हूँ ट्रिग्नोमेट्री सब मैंने खासियत। तर आम जाम जहाँ भी पढ़ा फास्ट आम कौन करना आम डेली लाइफ से यूज करा मुझे जो टपिक पढ़ाई मैथमेटिक्स हो कि साइंस हो कि फास्ट मुझे तरह डेली लाइफ यूजेस कौन कहि कारण यूजेस जानने ही जिनसे सब दिन मन रही है। देख ट्रिग्नोमेट्री यूज कौटी हुए ना देख ट्रिग्नोमेट्री यूज आम एस्ट्रोनॉमी इंजीनियरिंग नेविगेशन गोटे जिन हम तुम जान सन आर्थर डिस्टेंस के मून आर्थर डिस्टेंस के जो एत डिस्टेंस केमी मपाला ताक तो मुझे मैंने गोटे मीटर फिता बगिना मापरि ना कौन इंस्ट्रुमेंट एमती ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेट कर बाहर करे है कि ट्रिग्नोमेट्री रेसियो ग्रेट यूटिलिटी प्राक्टिकल यूटिलिटी तरह जब तुम गोटे एक्जामपल नब धर ये गोटे पिलाटी आम ठिया है कि ना हूँ धर एक्स पिलाटी जाइए बुलाई गोटे समुद्रकूल को तो समुद्रकूल गोटे दीप अच्छी समुद्र भितर से दीपर गोटे लाइट हाउस अच्छी ये गोटे लाइट हाउस अच्छे से पिलाटा ठीक भाला कहला लाइट हाउस हाइट के मैंने मुझे समुद्र कूल में ठिया है से देखिकिना केमती मापी पारे से लाइट हाउस रोर हाइटा के पिले गोटे डिस्टेंस मापिया सहज मानते दुईट अब्जेक्ट भितर थी डिस्टेंस मापिया सहज इज कितु गोटे बहुत लंबा जिन हाइट मापिया सब कष्ट तो जदि मत डिस्टेंसटा केमती कौन जी कैलकुलेट करदे है कि धर मैं डिस्टेंस है एक्स आदि मैं कोणटा कैलकुलेट करदे थीटा मन तो पिले आम यो जिन यूज बहुत करवा थीटा कहते यहाँ शून्य बेगर कि मतलब गार दबा थीटा होगा है कि कैलकुलेट करदेली तो मुझे आराम से तार यहाँ हाइपोटेनियस भाग दे पारि आ तार हाइट भी भाग दे पारि परपेंडिकुलर भाग दे पारि
ହେଲା କେମିତି ବାହାର କରିବି ତମେ ମୁଁ କହିବି, ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ତମେ ନିଜେ ଏ ଚାପ୍ଟର ସରିଲା ପରେ ତମେ ନିଜେ ହିଁ ବାହାର କରିଦେବ ହେଲା କି। ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଖାଲି ଟ୍ରିଗ୍ନୋମେଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଯିବା। ମୁଁ କହିଲି ଟ୍ରିଗ୍ନୋମେଟ୍ରି ଆମର ସବୁ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ, ବଟ୍ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲରେ ଇଜିଲି ୟୁଜ୍ ହେବ ହେଲା କି। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ ସବୁବେଳ ପାଇଁ। ଏବେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ ସାର୍ କ'ଣ? ଦେଖ ଆମେ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲକୁ କୋଣ ହିସାବରେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ, ଆଉ ତାର ବାହୁ ହିସାବରେ ବି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। କୋଣ ହିସାବରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ କରିଛେ ନା, ଆମେ କରିଛେ ସୂକ୍ଷ୍ମକଣି, ସ୍ଥୂଳକଣି ଆଉ ସମକଣି ହେଲା କି। ଆକ୍ୟୁଟ୍, ଅପ୍ଟ୍ୟୁସ୍ ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ। ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ କୋଣର ପରିମାଣ ହେଉଛି ମୋର 90 ଡିଗ୍ରୀ, 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର 90 ଡିଗ୍ରୀ, ତ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ। ନା ଦେଇଦେଲି ମୁଁ ଏ ବି ସି। ଦେଖ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା କୋଣ ଅଛି ମୋର, ଯଦି ଏଇଟା ଆମର 90 ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣ ମିଶିକି 180 ଡିଗ୍ରୀ, ଯଦି ଏଇଟା ମୋର 90 ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣଟା ଆଉ ଏଇ କୋଣଟା ମାନେ ମୋର ଏ କୋଣ ଆଉ ସି କୋଣ ମିଶିକି କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥିବେ ମୋର, ଆଉ ମୋର ଏ କୋଣ ପ୍ଲସ୍ ସି କୋଣ 100% ମୋର କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେବେ, 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ମୋର ଏଇ କୋଣଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କୋଣ, ସମକୋଣ ଯେଉଁଟା, ତାହେଲେ ସମକୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁଟା ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବାହୁ ହେଇଥିବ, ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିଛି ସମସ୍ତେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ହେଲା କି। ତ ଏଇଟା ମୋର ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ ବା ହାଇପୋଟେନିୟସ୍, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଲା। ତ ମନେ ରଖିଥିବ, ଧର ମୁଁ ଏଇ କୋଣ ପାଇଁ ଭାଗ ହେଉଛି ସି କୋଣ, ଏସବୁ ସି କୋଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ବେସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ବେସ୍। ଆମକୁ ବେସ୍ ବି କହିବା, ଆକୁ ଆମେ ଆଡ଼ଜାସେଣ୍ଟ ବି କହିପାରିବା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ବା ଆକୁ ଆମେ ଅପୋଜିଟ୍ ବି କହିପାରିବା। କାହିଁକି ନା ମୋ ସି କୋଣର ଅପୋଜିଟ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଅପୋଜିଟ୍ ସାମ୍ନାଟା, ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଲା। ଦେଖ ପିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲର ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ ଗୋଟିଏ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କର ଥିଓରମକୁ ମାନେ ଓବେ କରନ୍ତି, ସେଟା ହେଉଛି ପାଇଥାଗୋରିଅସ୍ ଥିଓରମ। ପାଇଥାଗୋରିଅସ୍ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଦାର୍ଶନିକ, ସିଏ କ'ଣ ଥିଓରମ କହିଥିଲେ ନା, ସେ କହିଲେ ତମର ଯେଉଁ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ହାଇପୋଟେନିୟସ୍ଟା ବାହାରିବ, ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଆଉ ବେସ୍ଟା ବାହାରିବ, ତାଙ୍କ ସହ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ହେଉଛି ମୋର କ'ଣ ନା, ହାଇପୋଟେନିୟସ୍ର ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ମୋର ବେସ୍ର ସ୍କୋୟାର ସେ କହିଲେ। ଯଦି ତମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆମର ପାଇଥାଗୋରିଅସ୍ ଥିଓରମ କେମିତି ବାହାରିଲା, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖ, ଆମେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବୁ ହେଲା କି। ତାପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ଟ୍ରିପ୍ଲେଟ୍ସ। କ'ଣ ଆସିଲା ଆମର ନା ଟ୍ରିପ୍ଲେଟ୍ସ, ପୁଣି ଟ୍ରିପ୍ଲେଟ୍ସ କ'ଣ? ଦେଖ ଟ୍ରିପ୍ଲେଟ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ନମ୍ବର୍ସ, ତିନିଟା ନମ୍ବର, ଯିଏକି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମୋର ପାଇଥାଗୋରିଅସ୍ ଥିଓରମକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବେ। ଯେମିତିକି ଧରିନିଅ, ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ତିନି ମୋର ଚାରି ଆଉ ପାଞ୍ଚ, ତିନି ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରିପ୍ଲେଟ୍ସ, ତାହେଲେ ସିଧା କଥା ଏମାନେ ମୋର କାହାକୁ ଫଲୋ କରିବେ ନା, ପାଇଥାଗୋରିଅସ୍ ଥିଓରମକୁ। ପାଇଥାଗୋରିଅସ୍ ଥିଓରମକୁ ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ନା, ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି ଯେ ତମର ହାଇପୋଟେନିୟସ୍ ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି ମୋର ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବେସ୍ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା କି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହାଇପୋଟେନିୟସ୍, ମୁଁ କହିଲି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବାହୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ହାଇପୋଟେନିୟସ୍, କାହିଁକି ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ହାଇପୋଟେନିୟସ୍। ତାହେଲେ ମୋର ପାଞ୍ଚର ସ୍କୋୟାର ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଧର ମୋର ଚାରିର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ତିନିର ସ୍କୋୟାର ହେଲା କି। ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ବେସ୍ ମୋର କିଏ ବି ହେଇପାରନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରୁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର 25 ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 16 ପ୍ଲସ୍ 9 ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମୋର 25। ତାହେଲେ ଦେଖ ମୋର ଥିଓରମ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିଗଲା, ତାମାନେ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମୋର ଟ୍ରିପ୍ଲେଟ୍ସ ହେଇଗଲେ ହେଲା କି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୋର 5, 12, 13 ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ଲେଟ୍ସ ହେବେ, ଆଉ ମୋର 20, 21, 29 ବି ମୋର ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ଲେଟ୍ସ ହେବେ ହେଲା କି। ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ନିଜେ ତାକୁ ପୁଟ୍ କରି ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ମୋର କ'ଣ କହନ୍ତି ପାଇଥାଗୋରିଅସ୍ ଥିଓରମକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବେ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ, ଯଦି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଦେଉଛି ନା, ଖାଲି ତିନି ଦେଇଛି, ମୋତେ ଦେଇଦେଇଛି ତିନି, ଦେଖ ପାଇଥାଗୋରିଅସ୍ ଥିଓରମରେ କ'ଣ, ଯଦି ମୋତେ ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ଦେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ମୋତେ ତିନି ପାଞ୍ଚ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାରି ବାହାର କରିପାରିବି। ଯଦି ମୋତେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତିନି ବାହାର କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଖାଲି ତିନି ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ବି ମୁଁ ଆର ଟ୍ରିପ୍ଲେଟ୍ସ ବାହାର କରିଦେଇପାରିବି ଫର୍ମୁଲାରେ। ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ନା, ଯଦି ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ଗୋଟେ ଅଡ୍ ନମ୍ବର ହେବ, ତିନି ମୋର ଗୋଟେ ଅଡ୍ ନମ୍ବର, ତ ତିନି ପାଇଁ ଆଉ ଦୁଇଟା ଟ୍ରିପ୍ଲେଟ୍ସ ମୁଁ କେମିତି ବାହାର କରିବି। ତା ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏନ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 1/2 ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିପ୍ଲେଟ୍ସ ପାଇବି, ଆଉ ଏନ୍ ସ୍କୋୟାର -1/2 ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ଲେଟ୍ସ ପାଇବି। ତ ଏନ୍ ହେଲା ମୋର ଏଠି କେତେ, ଏନ୍ ହେଲା ମୋର ଏଠି ତିନି, ମୁଁ ତିନି ଭାଗରେ ଚାହୁଁଛି। ତାହେଲେ ପିଲେ ତିନି ସ୍କୋୟାର କେତେ ନା, 9 + 1/2, ସେମିତି ଏଇଟା ହେଲା ଆମର 9 - 1/2, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର 5, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର କେତେ ନା 8/2, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର 4। ତାହେଲେ ମୋର କେତେ ହେଇଗଲା ଟ୍ରିପ୍ଲେଟ୍ସ ତିନିଟା କ'ଣ ହେଲେ ନା, 3, 4, 5, 3, 4, 5। ପିଲେ ଦେଖ 3, 4, 5ର ଆଉ ଟ୍ରିପ୍ଲେଟ୍ସ କେମିତି ଭାଗ କରିପାରିବି ନା, ଦେଖ ଆଦରେ ଯଦି ମୁଁ 2 ଗୁଣି ଦେଉଛି, 2 ଶବ୍ଦରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଉଛି, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ମୋର କେତେ 6, 8, 10, ଇଏ ବି ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ଲେଟ୍, ଇଏ ବି ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ଲେଟ୍ ହେଲା କି। ସେମିତି ଯଦି ମୁଁ କହିବି 9, 12, 15, ଇଏ ବି ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଟ୍ରିପ୍ଲେଟ୍ସ, ତ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ତମେ ଜାଣିଗଲ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟ୍ରିପ୍ଲେଟ୍ସ ହେଇପାରିବ ହେଲା କି। ଏଇଟା ଗଲା ମୋର ଅଡ୍ ନମ୍ବର ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା। ସେମିତି ପିଲେ ମୋର ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ପାଇଁ କ'ଣ ଫର୍ମୁଲା ହେବ, ସେମିତି ମୋର ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ପାଇଁ କ'ଣ ଫର୍ମୁଲା ହେବ ସବୁ, ତାହେଲେ ମୋର ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା ହେବ କ'ଣ ନା, ଧର ମୋର ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେଲି 6,
मोर छ रकम भाग्य रही ना छ ट्रिपलेट्स को कैलकुलेट कर ट्रिपलेट्स को कैलकुलेट करी देख बोले मुझे मोर नी मु सिक्स नी देख ये मोर एन के मोर गोटे इवेन नंबर प्रथम बै टू कर दि मोर भाला तीन एटा हूँ मोर एन एटा हूँ मोर कौन एन है कि फर्मुला पकेबी मोर आप फर्मुला हूँ एन स्क्वायर प्लस वन एन स्क्वायर माइनस वन पकाओ तीन तीन नौ प्लस एक यहाँ मोर तीन तीन नौ माइनस एक मोर सरी दस गोटे हम आउ गोटे मोर आठ हम गोटे दस गोटे आठ तेल मोर छ आठ दस गोटे ट्रिपलेट्स देख ये मुझे समस्त की जब मुझे दुई चार आउ मोर सरी दुई कौन तीन चार आँच है मोर ट्रिपलेट्स मैं जानचे देख जब तुम सब दुई मल्टीप्लाई कर दौ ना तुम पाइव देख छ आठ दस तेल मोर गोटे कौन ट्रिपलेट्स क्लियर तेल मोर इवेन अथे कौन मोर इवेन नंबर पर फर्मुला हूँ कौन ना एन एन स्क्वायर प्लस वन एन स्क्वायर माइनस वन आमर ऑड नंबर पर फर्मुला हूँ कौन ना एन स्क्वायर प्लस वन बाय टू एन स्क्वायर माइनस वन बाय टू ये मुझे एन के कैलकुलेट करी मोर इवेन नंबर पर ना प्रथम एन हूँ जो नंबर जब मोर छः अच्छी मुझे छः बाय दुई करदेवी तीन यहाँ हूँ मोर एन जो मोर आठ अच्छी तेल मुझे आठ बाय दुई करदेवी चार यहाँ हूँ मोर एन है कि ट्रिपलेट्स भाग दल तार मैं जब गोटे भी साइड दे दूसरी ना गोटे राइट हैंड ट्रायंगल ल हाइपोटेन्यूस दो कि मत परपेंडिकुलर दो कि मत बेस दो मुझे आउ दु जन आराम से कैलकुलेट कर दे पारिबी क्लियर देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस सब कौन देख पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा पूर्व आम विषय तार किसी टेक्निकल टर्म्स जानार अच्छी ना ट्रिग्नोमेट्री गोटे फैमिली है तो से फैमिली को जानक मेम्बर जाना पड़ा फैमिली में किए किए लोक अच्छे ट्रिग्नोमेट्री छः जन लोक अच्छा हेला तेना तीन जन मुख्य मुख्य लोक किए किए ना मोर साइन कोसाइन टैंजेंट साइन हूँ भल ना एस आई एन ई जमी समस्त गोटे डाक ना थे गोटे भल ना थाए से साइन रल ना हूँ एस आई एन ई और डाक ना हूँ एस आई एन आउ कस रस हूँ तर डाक ना भल ना हूँ कोसाइन से टैंजेंट हूँ भल ना टैन हूँ तर डाक ना है कि पे देख सेमती साइन रोटे साथी अच्छी है कि तुम जमी के साथी हाउज हे साइन रोटे साथी अच्छी जी हूँ मोर कोसेकंड जहाँ आम कोसेक कहू कोसाइन को आम साथी को आम सेकंड कहू आ टैंजेंट साथी को आम को टैंजेंट भी कही थोड़ा डाक ना सब कौन ना कोसेक सेक कट आम भल ना नुह आम सब डाक ना मानते जानवे देख तुम कस टैन कोसेक सेक कट आउे पे सांग कह सैन कस टैन कोसेक सेक आउ कट है देख पे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अच्छी मानते जो रेशियोज मान आम राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूस बेस और परपेंडिकुलर सहित गोटे रिलेशनशिप अच्छी से रिलेशनशिप कौन ता विषय में आज पढ़ा देख बोले जदि मुझे देख पार्थ्व आम गोटे ट्रायंगल अच्छी धरने जो मुझे कहे ट्रायंगल ना देदेली ए आउ बी आउ सी देदेली तुम समय जान ये आम नब्बे डिग्री आउ नब्बे डिग्री सम्मुखीन बाहूटा हूँ मोर सब हाइपोटेन्यूस है कि धर मु सी कौन जब भाग करी सी कौन को बेस कले यहाँ हूँ मोर बेस आम एडजस्टमेंट भी कह है कि यहाँ को आम कह परपेंडिकुलर यहाँ को आम अपोजिट भी कहीपर आम कह जो कौन आम ना कौन रपट सैड हो रहा कौन अपोजिट है पे तेल पे देखिए देख तो आपरे डिपेंड कर मोर साइन फॉर्मूला हूँ कौन ना परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस मुझे जदि यटा को आउ गए कौन कहीपर ना अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस ये तुम दीटा जो गोटे नहीं पार है कि से भाई भाव में कस दीटा फर्मुला हो पारे गोटे बी बाय एच आम तो कहीपर एडजस्टमेंट बाय हाइपोटेन्यूस जहाँ कहे चल दीटा जन एक जिनस कहीं दीटा कौन देख पे टैन है मोर कौन ना पी बाय बी कहले चल ना कह अपोजिट बाय एडजस्टमेंट से भी मोर ठीक हम पे देख तो से भाव मुझे तुमको साइन न कोसेक सहित रिलेशनशिप अच्छी कि रिलेशनशिप ना मन रख साइन हूँ कोसेक रेसिप्रोकल सेमती कोसेक साइन रेसिप्रोकल जदि मु तुमको कहबी वाई इज इक्वल टू वन बाय एक्स ताले ऑब्वियसली एक्स भी तुम हम कौन वन बाय वाई साइन जदि तुम है वन बाय कोसेक ताले तुम कोसेक भी हो कौन वन बाय साइन है कि से भाव में यहाँ मोर हो कौन देख पे अपोजिट है यहाँ मोर हो पे एच बाय पी बाहर एच बाय ओ हाइपोटेन्यूस अपोजिट एटा हो मोर बी बाय एच बाहर एच बाय ए है कि एडजस्टमेंट आपको मोर बी बाय पी बाहर कौन ना ए बाय ओ है कि
ତାହେଲେ ପିଲା କୁହନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବି କେମିତି? ଦେଖ, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆଡଜାସେଣ୍ଟ ଆଉ ଆମର ଅପୋଜିଟ୍ ହାଇପୋଟେନିୟସ ଅନୁସାରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, ସୋକାଟୋ। ସୋକାଟୋ କ'ଣ ନା ଦେଖ ପିଲେ, ସୋକାଟୋ ହେଉଛି SOH CH POA, ହେଲା କି? ଏଟା ବହୁତ ଫେମସ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍, ହେଲା କି? ତ ସୋକାଟୋ, ସୋରେ ଏସ୍ ଫର୍ ସାଇନ, ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ ବାଇ ଏଚ୍। ସମସ୍ତେ ପିଲେ ଦେଖ, ଓ ବାଇ ଏଚ୍ ମୋର ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ହେଇଛି। ସେମିତି ସି ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ବାଇ ଏଚ୍, ଆଉ ସି ଫର୍ ହେଉଛି ମାନେ କସ୍, ସି ଫର୍ ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ ନା କସ୍। ସେମିତି ଟି ହେଉଛି ମୋର ଟ୍ୟାନ୍, ଟ୍ୟାନ୍ ସରି ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର ହେବ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ, କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଇପାରିବ ନା, ଓ ବାଇ ଏ। କ'ଣ ହେଲା ମୋର ନା ଓ ବାଇ ଏ। ଦେଖ ପିଲେ, ଯାହା ବି ବାହାର କରୁଛି ସେଟା ଆମ ବାହାରିଛି ବାହାରିଛି ନା ବାହାରିନି, ବାହାରିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପି ବି ଏଚ୍ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ବେସ୍ ଆଉ ହାଇପୋଟେନିୟସ ଆକାରରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା। ପଣ୍ଡିତ ବଦ୍ରି ପ୍ରସାଦ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଏ ହର ହର ଭୋଲେ। କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ପଣ୍ଡିତ ବଦ୍ରି ପ୍ରସାଦ ହର ହର ଭୋଲେ। ସେମିତି ଆମର ମେନ୍ ତିନି ଜଣ ନେବାର ଅଛି। ଘରର ମେନ୍ ତିନି ଜଣ କିଏ କିଏ ନା? ସାର୍ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଆମ ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିକୋଣମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ର ମେନ୍ ମେମ୍ବର ହଉଛନ୍ତି ସାଇନ, ତାର ହଉଛି ମୋର କସ୍, ତାପରେ ହଉଛି ମୋର ଟ୍ୟାନ୍। ତିନି ଜଣ ମେନ୍ ଦେଖ ପିଲେ, ସାଇନ୍ କସ୍ ଟ୍ୟାନ୍ ଦେଖିଦେଲି, ଯେହେତୁ ତମେ ଦେଖିପାରିବ ସାଇନ୍ ହେଲା ପି ବାଏ ଏଚ୍, ହେଇଛି ନାହିଁ? ଦେଖ ଭାବିଲେ ପି ବାଏ ଏଚ୍। କସ୍ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ? ସେମିତି ବି ବାଏ ଏଚ୍, ଦେଖ ପିଲେ ବି ବାଏ ଏଚ୍ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଦେଖ ବି ବାଏ ଏଚ୍। ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଟ୍ୟାନ୍ ହେଲା ପି ବାଏ ବି, ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି ମୋର ପି ବାଏ ବି ହେଇଛି ନା? ଦେଖ ଦେଖ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ହେଇଛି। ତ ସହିଲା, ତାପରେ ତାର ରେସିପ୍ରୋକାଲ, ତାର ରେସିପ୍ରୋକାଲ କିଏ କିଏ? ସାଇନ୍ ରେସିପ୍ରୋକାଲ କୋ ସେକ୍, ମୁଁ କହିଛି କସ୍ ରହୁଛି ସେକ୍, ଆଉ ଟ୍ୟାନ୍ ହେଉଛି କଟ। ପିଲା ମନେ ରଖିଥିବ, ସଳ ପାଇଁ ଏସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସି ଆସିବ, ପୁଣି ଦେଖ ଏସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସି ଆସିବ, ଏସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସି ଆସିବ, ଆଉ ଇଏ ତ ବଞ୍ଚିଗଲା ଟ୍ୟାନ୍ କଟ। ଟ୍ୟାନ୍ କଟ ତମ ସମସ୍ତ ମନେ ହୁଏ, ଟ୍ୟାନ୍ କଟ ସମସ୍ତ ମନେ ହୁଏ, ଏ ସାଇନ୍ ର କୋସେକ ଅପୋଜିଟ୍ କସ୍ ରେସିପ୍ରୋକାଲ ସେକ୍, ଏଇଟା ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ମନେ ହୁଏ ନା? ମନେ ହେଇଥିବ ଏସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ପାଇଁ ସି ଆସେ, ସାଇନ୍ କସ୍ ଅଛି, ସାଇନ୍ ର ଏସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସି ର କୋସେକ ଆସିବ, ସି ର କସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସେକ୍ ର ଏସ୍ ଆସିବ, ସରିଲା। ତ ପଣ୍ଡିତ ବଦ୍ରି ପ୍ରସାଦ ହର ହର ଭୋଲେ, ନହେଲେ ସୋ କାଟୋ। ତାହେଲେ ମୋର ଏସିଓ ମନେ ହିଁ ରଖିବାର ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିଏ ପଛରେ ମୁଁ କହିଦେବି, ହେଲା କି? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ହେଲା କି? ସେ ଟିକେ ସେ ଜିନିଷଟା କହିବା ନିହାତି ଦରକାର, ସେ କହୁଛି। ଦେଖ, ଧରି ନିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୁଇଟି ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ଦେଲି, ଦୁଇଟି ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଧର ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ, ହେଲା କି? ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ। ମୁଁ ଏଟା ନାଁ ଦେଲି ସି, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଏ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବି, ଏଇଟା ଆମର ସମକୋଣ, ହେଲା କି? ଦେଖ ପିଲେ, ଧରି ନିଆ ଯାଉ ମୁଁ ଏ କୋଣର ନାଁ ଦେଇଦେଲି ଆମର ଥିଟା, ଆଉ ଏ କୋଣର ନାଁ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଦେଲି ଧରି ନିଆ ଯାଉ ଆଲଫା। ଭଲସେ ପ୍ଲେସ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ମେନ୍ କନସେପ୍ଟ, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ କନସେପ୍ଟ, ଏଇ ଥ୍ରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାୟ ପଡ଼େ, ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ କରନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲେ, ଯଦି ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଆମର ପି, ଏଇଟା ଆମର ବି, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଏଚ୍, ଏଇଟା ଆମର ଏଚ୍, ମୁଁ ଧରି ନିଆ ଯାଉ ନେଇଗଲି ମୋର ଆଚ୍ଛା ପି ବି ଏଚ୍ ଆମେ ବୁଝିବା ଫାଷ୍ଟ, ହେଲା କି? ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା। ଧରି ନିଆ ଯାଉ ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରିଲି ସାଇନ୍ ଥିଟା କେତେ ହବ, କମେ ଯଦି ତମକୁ ପିଲେ ସାଇନ୍ ଥିଟା କେତେ ହବ, ତମେ ସାର୍ ଆପଣ ଆମକୁ ପଢ଼େଇଲେ ସାଇନ୍ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ପି ବି ଏଚ୍ ଆକାରରେ ପି ବାଇ ଏଚ୍, ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ହେଇଗଲା ସାର୍ ପି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏଚ୍। ମୁଁ କହିବି ପିଲେ ସାଇନ୍ ଆଲଫା କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଠି ସାଇନ୍ ଆଲଫା କେତେ ହେଇଯିବ? ଦେଖ ପିଲେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଯୋଉ କୋଣ ପାଇଁ ପଚାରି, ମୁଁ ତମକୁ ସାଇନ୍ ଥିଟା, ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ ଥିଟା କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଦେଖ, ଥିଟା କୋଣ ସହିତ ଲାଗିଥିବା ବାହୁ, ଏଇ ବାହୁଟା, ଏଇ ସାଇଡ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଆଡଜାସେଣ୍ଟ ସାଇଡ୍, କି ସାଇଡ୍? ଆଡଜାସେଣ୍ଟ ସାଇଡ୍, ତାକୁ ଆମେ ଆଡଜାସେଣ୍ଟ କହିବା ନହେଲେ ବେସ୍ କହିବା। ଆଉ ସବୁବେଳେ କହିଛି ତମକୁ ଥିଟାର ଅପୋଜିଟ, ଥିଟାର ଅପୋଜିଟ, ଅପୋଜିଟ ମାନେ ତାର ସାମ୍ନା, ଅପୋଜିଟଟା ମୋର ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର, ବା ତାକୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ୁ, ଆମେ ତାକୁ କୋ ବୋଲି ଲେଖୁ, ଅପୋଜିଟ ବୋଲି ଲେଖୁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ କହିଥିଲି କୁହନି, କହିଦେଲି ସାଇନ୍ ଆଲଫା ମାନେ ଆଲଫା କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆଲଫା କ'ଣ ଅପୋଜିଟ ସାଇଡ୍ କି ହେଇଯିବ, ଇଏ ଅପୋଜିଟ, ତାହେଲେ ତାର ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଏଇଟା ହେଇଯିବ, ଆଉ ବେସ୍ ଏଇଟା ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ହେଇଯିବ ବୋଲେ, ନା ଫର୍ମୁଲା ହେଇଯିବ ବି ବାଏ ଏଚ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପି ବାଇ ଏଚ୍, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏ ଆଲଫା କୋଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବି, କାରଣ ଦେଖ ଆଲଫା ସହିତ ଲାଗିଛି ଏବେ ଆଉ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବାହୁ ଏଇଟା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଆ ପାଇଁ ବେସ୍ ଆଲଫା କୋଣ ପାଇଁ, ଆଉ ଏ କୋଣ, ଏଇ କୋଣ ପାଇଁ ଆମର ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଏଇଟା ହେଇଯିବ। କ୍ଲିୟର ପିଲେ, ହେଲା କି? ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାକ୍କୁ ଯାଅ ଦେଖ, ଫିର୍ ବି ନ ବୁଝିପାରିଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ କୁହ, ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇଦେବି, ହେଲା କି? ତାହେଲେ ପିଲେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ, ହେଲା କି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଅବିୟସ୍ଲି ଆମେ ଅଧିକା ବୁଝିପାରିବା, ଅଧିକା ମନେ ରଖିପାରିବା, ହେଲା କି? ଦେଖ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ପୁରା ସହଜ ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆମେ ସହଜରୁ ଲେବୁଲ୍ ୱାନ୍, ଲେବୁଲ୍ ଟୁ, ଲେବୁଲ୍ ଥ୍ରୀ ଏମିତି ଯିବା, ହେଲା କି? ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମର ଦ ସାଇଡ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ୍
each is now let's do r of 4 or 5 find trigonometric ratios okay धन्य जो मोर दीटा देची गोटे हला 4 गोटे हला 5 हला कि मते 5 देची माने 100% मोर हाइपोटेन्यूज डी मोर 5 हो सीधा ही धर दा हाइपोटेन्यूज मोर 5 हो हला कि ताले पिले यदि हाइपोटेन्यूज 5 हला धन्य जो मो परपेंडिकुलर नै गली 4 परपेंडिकुलर मो 4 तार मोर बेस केते हबो पिले बेस केते हबो त हम ट्रिपलेट्स भागरा सिखे छी त ट्रिपलेट हम जतन कहबो सर बेस हम मोर 3 जदे ट्रिपलेट्स के नभाई के पहला हम पके वाली पाइथागोरस थ्योरम हम कोन कहतला ना h रो स्क्वायर इज इक्वल टू p रो स्क्वायर प्लस b रो स्क्वायर ताले b रो स्क्वायर मतलब केते जो हमर b दरकार h रो स्क्वायर माइनस b रो स्क्वायर ताले h ला मोर 5 रो स्क्वायर p ला मोर केते ना 4 रो स्क्वायर ताले हम लिख परबी b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 ताले b स्क्वायर इज इक्वल टू अमर हे गेला केते ना 9 ताले b इज इक्वल टू केते ना 9 रूट ओवर पिले समझ जानच x रूट ओवर माने कोन ना x रो पावर 1/2 हम समझ जान जे रूट ओवर मींस होची 1/2 सेही भाबरे 9 रूट ओवर माने कोन हम कहबी 9 हला मोर 3 स्क्वायर रो रूट ओवर माने होची मोर तार पावर 1/2 ता माने एठी मोर 2 आउ 2 कटि जीव मोर रहइबो खाली 3 ताले 9 रूट ओवर हला मोर केते 3 ताले मोर बेस गेला 3 पाई गेली बेस 3 ताले एच पाई गेली पी पाई गेली बी पाई गेली मते पचार छी कोन देख पहिले टिके डायग्राम कर तम पे बुझे बार सुविधा कोन छोटिया सेंदी रफ डायग्राम कर दउ छी ता ना देली ए आ ना देली बी आ ना देली सी मो बेस ने जी 3 मो सी कोन में भागिर लगी आउ एडा ने गेली मते कोनी 5 एडा ने गेली मो 4 धर मो सी कोन ना देली थीटा मो ए अनुसार भागिर बी तर मोर साइन थीटा केता पहिले साइन थीटा मोर पी बाय एच सीधा जा को पिला माने 4/5 सेंदी मते को सब भाग रे कॉस रे भाग रे कॉस रे केते बी बाय एच 3/5 टैन थीटा मोर केते हला ना पी बाय बी हला मोर केते हो पी हला मोर 4 बी हला मोर 3 हला कि तबरे कोसेक कोसेक थीटा समझे पले आंचो कोसेक होजी मोर साइन न रेसिप्रोकल सीधा जा को 5/4 से को होजी मोर कॉस रेसिप्रोकल सीधा जा को 3 आ सॉरी 5/3 सेंदी कॉट होजी मोर का रेसिप्रोकल कॉट इज मोर टैन रेसिप्रोकल सीधा जा को 3/4 सोला पहला देखो कैसे सॉल्व क्वेश्चन किंतु परीक्षा में एमते क्वेश्चन पड़ियो ना परीक्षा को लेवल क्वेश्चन पड़तिबो 9 तो फेस क्लियर से क्वेश्चन ए बे क्वेश्चन पड़ते परीक्षा रे कम पड़तिबो ना तुम दे देछ धरनिया जाओ कोन दे देछि ना sin x इज इक्वल टू 5/13 मु जान छी sin ना फार्मूला होजि मोर केते ना p बाय h तार मते h देला 13 p देला 5 पिले मु तुम ट्रिपलेट्स पढ़ैछली 13 5 रो होजि ट्रिपलेट्स 12 b हला मोर 12 हले कि पता जी ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भाग रे में तारे मोर रफ डायग्राम ने गली एडा मु ए कर देली एडा मु बी कर देली एडा मु सी कर देली एडा मोर हे गला हाइपोटेन्यूज 13 बेस 12 आ परपेंडिकुलर हे गला मोर 5 भाग रे में आराम से साइन थ्रा भाग दे परबो साइन थ्रा दे दी cos cos x इज इक्वल टू मोर b / h माने 12/13 सेम दी tan x मोर केते हबो ना मोर हबो p / b माने 5/12 हला कि सेम तमे से cosec आ cot भी भाग दे परबो पहले थर्ड क्वेश्चन के जीवा में थर्ड क्वेश्चन हम कोन कहिला ना थर्ड क्वेश्चन हम कहि छी ट्रायंगल कहि छी इन अच्छा इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी करबी ट्रायंगल कहि छी करबी एड ट्रायंगल कले अच्छा अदर ऑफ ट्रायंगल से मु टांकी दउ छी हां एडा ए एडा बी एडा सी मते बी कोन दे 90 डिग्री त हम बी हला 90 डिग्री आ मते आ कोन दे छी देखो मते दे दे छी cos c इज इक्वल टू 3/5 cos c मेन हो जे c माने ए c कोण रेस्पेक्ट रे ए c कोण रो रेस्पेक्ट रे मोरा cos रो c रो वैल्यू हो जे 3/5 cos ला मोरा b / h तान जानि गली बेस हो जे मोर कते बेस हो जे मोर 3 आ हाइपोटेन्यूज हो जे मोर 5 तारे डा मोर 4 हबो पाइथागोरस थ्योरम समझ भाग कर ट्रिपलेट जानि 3 4 5 मोर ट्रिपलेट्स हला कि तमे पचाला जदी एमती हुए तार मते कुओ tan c केते मते कोन बतला कुओ tan c केते हम कहबी tan c इज इक्वल टू tan c रा फार्मूला p / b ताले गला p हला मोर 4/3 ए डायग्राम अनुसार सेम दी आगो बजाज मते पिले सेक्सी सेक्सी सेगो जमर cos वाल्टा रे जमर 5/3 सीधा जा h / b 5/c देखो तापर मते पचार छी cot a कम जा छी cot a पिला अनुसार कहबो तार cot हो जमर tan रेसिप्रोकल हम कर देबो 3/4 कर देबी पिले जे 3/4 करछ समस्तन कर भूल टिके अगर हम तुम कहितली मेन होचे कोण
मेन हूँ कोण देख पिले आम टैन सी कोण रेस्पेक्ट रे भाग करचे किंतु कॉट हमको ए कोण रेस्पेक्ट रे पचार छी दैट मींस मते ए कोणटा पचार छी त ए कोण पई वर्तमान समय रे ए कोण पई एटा हाइज हमर बेस एटा हाइज हमर परपेंडिकुलर आ एटा हाइज हमर कोण ना हाइपोटेन्यूस हला तले पिले से बारे कॉट ए तले मते हबो ना सर कॉट ए इज इक्वल टू कॉट रे फॉर्मूला हाउस मोर कोण ना बी बाय पी दैट मींस एटा हाइज हमर 4 बाय 3 तले देखो प्लेट कोन देखिलो देखो टैन सी रा वैल्यू जहा कॉट ए रा वैल्यू से आ ऊपर गोटे हमर अछि हमर जो एक्यूट हमर 90 माइनस थीटा रा जो फार्मूला अछि ताको हम बढ़ेबी हला कि सेटा आ पर वीडियो रे हम देखिबा सेठी हम जाउनी तले देखिलो जदि मोर कोण चेंज हो जी ता हमर फार्मूला वैल्यू ही चेंज हो जी सेमदि जदि हम बदलबी देखो साइन ए कम चली साइन ए साइन ए साइन रा हमर पी बाय एच तले एटा तुमर 3 बाय 5 ए कोण अनुसार मने जोगे देखो ने 3 बाय 5 हला जम जाउछ कोन जम जाउछ कोन को जानबो खाउन बता नका दले पिले हमर रेशियो रो कांसेप्ट क्लियर हे गला एबे हम किछ फार्मूला बिषय देखिबा ट्रिग्नोमेट्री रो किछ फार्मूला बिषय देखिबा देख पिले एटा नाम फार्मूला हेले धन्य जेडी म ट्रायंगल छि म ट्रायंगल ना गोटे दे दउछि ए बी सी पे फास्ट कह किसी फर्मुला मन रखे ही ना ना किसी रेसीओ द्वारा फर्मुला मन रखी ना ये जो फर्मुला मन रखी कौन सी फर्मुला मन रखी ना सब ट्रिक्स कह जो ट्रिक्स तुम सब दिन फर्मुला मन रही है कि फास्ट फर्मुला देखो साइन एक्स इज इक्वल टू वन बाय कोसेक एक्स सर आम जानू आप कस एक्स इज इक्वल वन बाय सेक एक्स सर आम जानू टैन एक्स इज इक्वल टू वन बाय कॉट एक्स सर आम जानू है ना सेमती कॉट एक्स है वन बाय टैन एक्स सेक एक्स है वन बाय कोसेक एक्स वन बाय साइन एक्स सर आम सब जानू हेला कि ये फर्मुला सर आम रेसीओ रिलेशनशिप आम पंडित बद्री प्रसाद जानदेलो आम कि कहूँ अलग कौन नुआ कहूँ नुआ कौन है क्वेश्चन रिलेशन क्वेश्चन रिलेशन कौन आसा पड़े ना पी देख टैन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स टैन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स सर कैसे होगा देख पे प्रूव कर टैन समय जान पी बाय बी साइन है फर्मुला समझ पी बाय एच कॉस है ना बी बाय एच उल्टी जीव पी बाय एच इनटू एच बाय बी है कि दीटा डिजन जी उल्टी जाए मल्टीप्लिकेशन मत चिन्ह आज समय जान फ्रैक्शन पड़ी थी समझे छोटे एच एच कैनसल होगा रहा पी बाय बी देख ए पी बाय बी जीवल ए पी बाय बी टैन एक्स जीवल सैन एक्स कॉस एक्स तार आम समय जानचे आ गए फर्मुला ना सर आप टैन एक्स जीवल वन बाय कॉट एक्स रेसिप्रोकल जो टैन एक्स तुम हो गला साइन एक्स बाय कॉस एक्स ताले कॉट एक्स तुम सेमती कौन हो ना कॉस एक्स बाय साइन एक्स ये गोटे फर्मुला पाइल है ना सेमती पिला मैंने आउ मोर तीन टा फर्मुला अच्छे शुण कौन कौन अच्छी ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन आउ गोटे हूँ मोर cosec square x minus cot square x is equal to 1 hala ki tama jo sir kem thela prove karantu prove kariya ye gali beta tara prove kariya jaga nai na ye jaga bande jaga ni khebe acha to dekha pani tale first formula फर्स्ट फर्मुला मोर कौन ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू मोर ना वन तार प्लेट लिखी कौन लिखी ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन ताले साइन स्क्वायर एक्स साइन फर्मुला होची पी बाय एच र होल स्क्वायर प्लस बी बाय एच र होल स्क्वायर है कि मोर वन हम प्रूव करी ताले पी स्क्वायर बाय एच र स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर तेल मोर तलर एलसीएम गला के एच स्क्वायर जान सामान एलसीएम पड़ी जाती है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समस्त पाइथागोरस थ्योरम मन पकाओ एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर तले एच स्क्वायर कटिगला रही है वन प्रूफ हो गला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन सर सेम कौन टेन सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स हम कहीं हम ना 100% हम सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन तेल सेक्स स्क्वायर एक्स मोर के ना सर आम पढ़े से कस बल्टा मोर हम यहाँ एच बाय बी रोल स्क्वायर
एच बाय बी होल स्क्वायर माइनस मोर टैन है पी बाय बी होल स्क्वायर है कि वन हाँ प्रूफ करते प्रूफ कर एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर ताले मोर तल सामान अच्छे बी स्क्वायर गला एलसीएम लस आगे ऊपर गला एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एच स्क्वायर पी स्क्वायर गला बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर मोर है वन एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बी स्क्वायर देखिए एच स्क्वायर ए पी एपुर माइनस पी स्क्वायर होगा तर मैं एपटे पहुंचला कि बी स्क्वायर तो एच माइनस पी जगह मुझे पारि तो भी निकली है कि सेमती थार्ड टाइप समय निज घर करज घर कर देखिए तुम हूँ ना है कि ये तुम फर्मूला देखेनि ये ऊपर ये तीन टाइप दीटा पांचटा ये तीन टाइम आठटा तुम आठटा फर्मूल सब मैथ हम ता बाद गोटे फर्मूला तुम यूज हो ना ता बाद तुम गोटे फर्मूला यूज ही हम ना तापर सब पिला तुम टेन्थ पिला देखु नाइन्थ सब प्रोब्लम फेस कर एलएचएस आरएचएस होनी एलएचएस आरएचएस प्रूफ कौ फर्मूला पड़ो गोटा गोटा होटा गोटा होनीटा रूल कह तीन टा रूल एक दुई तीन तीन टा रूल तुमको कहि तीन टा रूल तुम सब एलएचएस भाई तू जो क्वेश्चन मत दे तू मत से आर डी शर्मा बुक रु दे कि मत तू मैंने से सीबीएसई पिला दे आईसीएसई पिला दे जो पिला क्वेश्चन दूस दे तीन टा फर्मूला सब क्वेश्चन सल्व हम है कि आम ये जो फर्मूला पड़े पुणी घोषा पड़ो घोषा हम ना किसी घोषियानी आम ये देखिए आम सुपर हेक्सागन ट्रिक अच्छी है कि देख पे जदि ये देखु देख घंटा धर यहाँ गोटे घंटा है कि घंटार घंटा यहाँ गोटे कंटा सब कुआड़ बुले ना एपुट रुपट को बुले तो घंटार घंटा जुआड़ बुले आम देखो क्लक वाइज मोशन को आउ जो घंटार घंटा एपुट बुला देखो आम आंटी क्लक वाइज मोशन सेमती जदि मुझे लोक ये सैन ठिया एपुटा चल 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 आऊँच है कि आम कौन कहवा आम कह सॉरी हाँ कौन कहवा तक कह क्लॉक वाइज मोशन है कि आज पिलाटी कौन कर सैन एपट को बुले बुले आंटी क्लॉक वाइज मोशन तुम क्लॉक वाइज बुल कि आंटी क्लॉक वाइज बुल तुम क्लॉक वाइज बुल कि आंटी क्लॉक वाइज बुल है कि ठीक है मैं हेक्सागन तैयारी तुम शिखे दूसरी धन्य जो मुझे हेक्सागन तैयारी कल जो हेक्सागन हो माइंड करना हाँ तेल सैन ये देली एट बिंदी देली हेक्सागन मिड पॉइंट दे देली सब सारी हाँ ठीक अच्छे सब जोड़ीदेली 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 सब जोड़ीदेली है कि सैन अपोजिट किए कोसेक कोसेक आम सी एस सी भी देखो है कि सेमती सैन भाई मोर कस आसाला कस वोल्ट टाइम से पारि तार मोर टैन भाई आसे टैन एपटे मुझे साथी कट मुझे पारि एमती मुझे करदेवी हेक्सागन तापर आंटी क्लॉक वाइज जदि आंटी क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज आसे फास्ट मैं सैन स्टार्ट कली सैन इज इक्वल टू कस बाय कट हम देख तुम पी पी बी एच फर्मुला देख से हम पुणी तप देख कस सैन रस अच्छी कस पर दुटार डिजन कर दिव कट बाय कोसेक सी एस सी देख कट पड़े आसा कौन ना सी एस सी बाय एससी सेमती एससी मोर कौन हो टैन बाय सैन देख मु टैन को पड़े आई टैन मोर कौन हो सैन बाय कस पिले तुमको पढ़ाई उपरू टे जाए देख देख यही देखा देख पे आम ये पढ़चे टैन इज इक्वल टू साइन बाय कॉस पढ़चे ना नहीं ये तुम पाइली टैन इज इक्वल टू साइन बाय कॉस सेमती आउ कौन हो पार ना पे देख जब एपुटा बुले बुले आसा एपुटा बुले बुले आसमें जो सैन को उल्टा आसव सैन इज इक्वल टू टैन बाय सेक भी हम सेमती तुम जब कट रे पहुंचल कट रू एम बुलू कट इज इक्वल टू मैं कहते देख पे कट इज इक्वल टू मोर हो कॉस बाय सैन कही कट इज कॉस बाय सैन तम रेसिप्रोकल फॉर्मूला सब होगा है कि डिस्ट्रिक्यूटर फर्मुला सब मोर हो पा मैंने लास्ट फर्मुला तुम कौन बोले ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन कहते तो सर ये तो से फर्मुला तैयारी पानी देख पे से फर्मुला तैयारी पार्टी मुखे आंटी क्लॉक वाइज जानगले क्लॉक वाइज जानगले है कि एवं आउ गए फर्मुला बोले देख जदि मुटार रेसिप्रोकल को सब मल्टीप्लिकेशन करी सब मल्टीप्लिकेशन वैल्यू वन ही आसो जदि मुझे सांगे क्या सांगे ना मुझे सैन सांगे तार अपोजिट रेसिप्रोकल सैन रेसिप्रोकल किए ना सर सैन रेसिप्रोकल हूँ कोसेक सैन रेसिप्रोकल हूँ कोसेक जदि मुझे सैन रेसिप्रोकल सांगे कोसेक को मल्टीप्लिकेशन करी सब वैल्यू वन हम सेमती डायगोनल चल कॉट रेसिप्रोकल टैन कॉट इनटू टैन वन सेमती कॉस इनटू सेक कॉस इनटू सेक ना वन सर कमी है देखना साइन एक्स इंटू सी एस सी कोसेक एक्स इज इक्वल टू वन सर कमी है ना साइन एक्स पी बाय एक्स है कि
कोसेक कोसेक क्या लगते हैं h by p h h cancel p p cancel value है number one सोला भाई क्या आप तीन तरफ फॉर्मूला डू हाइपर देखो कहाँ लगा ना साइन स्क्वायर देखा आप स्क्वायरिंग फॉर्मूला ताजा स्क्वायर फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री रे स्क्वायर परे क्यूब रख जी फॉर्मूला ही नहीं तो हमारा तीन टा स्क्वायर फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन तीन टा वाले किसी फॉर्मूला नहीं किसी फॉर्मूला नहीं ये तीन टा फॉर्मूला रे हमारा टेंथ क्लास सब मैथ हो टेन्थ क्लास सब मैथ में तीन टा फॉर्मूला तुम करके देखेबी तीन टा फॉर्मूला तीन टा ट्रिक तीन टा फॉर्मूला आ सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिया पई तीन टा स्टेप तीन टा फॉर्मूला तीन टा स्टेप रे सब क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री प्रूफ हबा सेकंड वीडियो खाली आसो सब क्वेश्चन तुम जो क्वेश्चन आनी दियो जो बहुत सब क्वेश्चन सॉल्व हो कि पहले देखो एटा के भाग करिया ना देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन आई दे स्क्वायर कर दियो इज इक्वल एटा कर दियो सेम दी एट स्टार्ट करिया गोटे घर स्किप करी पुणे स्टार्ट करिबो एटा रो स्क्वायर प्लस एटा रो स्क्वायर इज इक्वल टू एटा पुणे स्किप कर दियो एट रो स्क्वायर प्लस एट रो स्क्वायर इज इक्वल टू एटा सेकंड थेला देखो ना पहले तमे 1 प्लस मु करी 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू तमरा हबो कॉस स्क्वायर एक्स तमरा ऊपर फार्मूला पढला ना कि कॉट हमें ऊपर रो फार्मूला पढले देखबले ए ऊपर का फार्मूला पढले ना कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 कौन पढले ना कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 जई तम कोन करियो ना सॉरी एटा माइनस हला कि तम एबे कोन करियो तमे कोन कला ना ए जो हमरो कॉट स्क्वायर एक्स अछि ता खाली एपडू नै गला ता तमे कोन कला सी ए सी स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स देखा बले ए फार्मूला रे जहा ए फार्मूला सेन हो कि सेम दी तमे कॉट स्क्वायर एक्स अंदर के ना एडे भाई कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू नै पेरो ना कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 बहुत तीनटा फार्मूला बगे देन सर तीनटा फार्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अरे भाई सब जगह से गोटे फार्मूला रे जाई जदि पिल माने देखिबो सब जगह से गोटे फार्मूला रे जाई सुपर एग्जाम रे मन रही जीवा सुपर एग्जाम मन रहला ता परे आ आ आ 2 मिनिट 2 मिनिट पर हम कम पढिया ना टेबल देके रे ट्रिक टोटली 90 पर्यंत कोण तम बहिर जो ने 180 आ 90 पर्यंत सिखे त निजे 180 पर्यंत हम भाबिया भाबिक मते कमेंट लिखिबो 90 पर्यंत सिखला पर 180 पर्यंत केनी कर परबी गोटिए जो कोना साइन वैल्यू मन रखता सब हो प्राय सब सांग पिला बड़ भाई मैंने कहते साइन वैल्यू मन रखता सब हो भाई साइन वैल्यू कौन किसी मन रखी ना टोटाल टेबुल निजे तैयारी करी ब्लां कागज में गोटे फिफ्थ क्लास लेवल जैसे तैयारी करदेव है कि तरह देख गोटे फर्मुला है सैन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन बुझे सैन स्क्वायर एक्स मैं कौन हो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स खाली मुझ कॉस स्क्वायर पुणी आई सेमती कॉस स्क्वायर एक्स मोर कौन हो वन माइनस सैन स्क्वायर एक्स तो देख गोटे फर्मुला को मॉडिफाई करी आ दुटा फर्मुला लिखी सेमती सेकंड फर्मुला कौन थी कह सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन बोले टेन खाली से पुणी जा सेक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स पुणी पिला मैंने ए को मॉडिफाई करिया देख मु सेक में भाग करी टेन में भाग करी टेन पेपर रख ए वन रखे पुणी आस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन सरला पुणी सेमती तीन नंबर फर्मूला सीएसी स्क्वायर कोसेक्स स्क्वायर एक्स प्लस सरी प्लस ना सरी सरी माइनस माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन ताले कोसेक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स सेम दि पिला माने को कॉट स्क्वायर एक्स मोर कोन हे दिबो ना सर 1 को पुनि जाय दिबो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 जे स्क्रीनशॉट मारियो स्क्रीनशॉट मार दियो ए यति फार्मूला तीनटा फार्मूला रे हमर बाहर ला कोन नौटा फार्मूला तीन रु न कर दे खाली त मॉडिफाई करले ए फार्मूला बाद जे मु गोटे फार्मूला यूज कर छी त हम करय पई ट्रिगोनोमेट्री ता त मते कहबो ह अलजेब्रा यूज हो देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू ए प्लस बी होल क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब सतरा फर्मुला आलजेब्रा रा सतरा फर्मुला एटा तमे समस्ते 8th क्लास 7th क्लास पढी पढी आसुछ से लागि मु भाबुची तमे सेडा सु मन थिबो जदि मन नै हमरा सेकंड वीडियो रे मु तमे तीनटा स्टेप रे करियार जो टिक कहबी सेतरा मु तमकु आलजेब्रा रा सतरा फर्मुला लिखे देबी हला कि किछ नै भाई सतरा फर्मुला आराम से मन रे जछि भी क्यू फर्मुला दे यूज हमरा से स्क्वायर फर्मुला रे प्राय अंक हमर हे जीवो हला कि आ स्क्वायर त समस्त मन थिबो भल पिला मन थी आवरेज पिला मन थी मैंने मन थी भल आवरेज कहीं ना भाई सीधा जगह था भल पिला मानक बुझे कैपासीटी भल खराब पिला बुझा मानते जो खराब पिला आवरेज पिला बुझे कैपासीटी कम जदि भलसे बुझा गला से भी भल पिला भल सर करेंगे जिते पर्यटन पाठ न बुझे ना से पर्यटन बोरी लगे कौन बुझी पानी कौन पढ़ी तुम बुझी पा
ତମେ ତାର ଭାବି ନାଓ, ତମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତମେ ଫୁଟବଲ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନା, ତମେ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବସେଇ ଦେବେ। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ, କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଯେତିକି ପୁରା ମାନେ ହେଇ ଅଫ୍ ସ୍ପିନ୍ ଲେଗ୍ ସ୍ପିନ୍ ରିଭର୍ସ ସ୍ପିନ୍ ଏଟା ହେଲା ସେଟା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଫୁଟବଲ ରେ ଯିଏ ଆମକୁ ଆମ କଥା, ଆମ ଫୁଟବଲ କିଛି ଜାଣୁ, ବସିଥିବ କ'ଣ ହଉଛି ସେ ମାରିବ ଗୋଲ ମାରିବ ଭାଇ, ଗଲା ମାରିଲା ଆଉ ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି, 60 ମିନିଟ 90 ମିନିଟ ଖେଳିବେ, ଗୋଟାଏ ଗୋଲ ମାରିବେ, ଦୁଇଟା ଗୋଲ ମାରିବେ। ଆମ କ୍ରିକେଟରେ ମାନେ T20 ମ୍ୟାଚରେ ଲାଷ୍ଟକୁ 5 ଓଭର ପ୍ରତି ବଲ୍ ଛକା ଚାରି ହେ କି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କ୍ରିକେଟ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଫୁଟବଲ ବୁଝିପାରେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ପଳେଇ ଯାଅ କ୍ରିକେଟ ନା, ଆଉ ତମେ ଆମେ USA କୁ ପଳେଇ ଯାଅ, ସବୁ ସେଠି ଫୁଟବଲ ପ୍ରେମୀ, କ୍ରିକେଟ ପଚାରନ୍ତି ନା କି, ହେଲା କି। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ଟେବୁଲ କେମିତି ତିଆରି କରିବା ଦେଖ। ମୁଁ କହିଛି ଫାଷ୍ଟ ଟେବୁଲରେ କିଛି ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ, ସିଧା ହେଇଦା ସିଧା, ଆମର ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଟୋଟାଲ ଟେବୁଲ ଆମେ ନିଜେ ତିଆରି କରିବା, ହେଲା କି। ତ ଦେଖ ପିଲେ ସାଇନ୍ ଏକ୍ସ, ଏ ସାଇନ୍ ଏକ୍ସ ମୁଁ କେମିତି ତିଆରି କରିବି ବୋଲେ ଦେଖ, ସାଇନ୍ ଏକ୍ସ ସାଇନ୍ ଜିରୋର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ ଭାଲ୍ୟୁ, 0, 30, 45, 60, 90, ହେଲା କି। ତ ପିଲେ ତମେ ମୋତେ ଜଣେ ପଚାରିଲା ସାର ଆଉ ଏ ଆମର ସାଇନ୍ ଜିରୋ ଜିରୋ ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ, ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଟେବୁଲ ମନେ ରହୁନି ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟା କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ମନେ ରଖିଥିଲା, ମୋର କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲେ, 0 ପାଇଁ 0 ନିଅ, 1 ନିଅ, 2 ନିଅ, 3 ନିଅ, 4 ନିଅ, ଏମିତି ରଖିଦିଅ, ଏଇଟା ସାଇନ୍ ପାଇଁ, ହେଲା କି। ସବୁଥିରେ 4କୁ କ'ଣ କରିଦିଅ ନା ହରିଦିଅ, ସବୁଥିରେ 4କୁ ହରିଦିଅ, ହରିକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ରୁଟ ଓଭର ନେଇଯାଅ, ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ନେଇଯିବା ଆମେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ରୁଟ ଓଭର ନେଇଯିବା, ସବୁ ରୁଟ ଓଭର ନେଇଗଲେ ବୁଝିଲେ 0/4, 0/4 ସେପଟେ କେତେ ହବ ନା 0, ଏଇଟା ହେଲା 0, କଟିଗଲେ ହେଲା 0, 0ର ରୁଟ 0, ତାମାନେ ସାଇନ୍ 0° ଭାବି ହେଉଛି ମୋର 0। ସେମିତି 1/4, 1√ ବାଇ 4√ ବୋଲେ 1√1, 4√2 ତାହେଲେ ହେଇଗଲା ମୋର କେତେଟା ନା 1/2, 45, 2 × 2 = 4, 1/2 ର√ 1ର√ ହେଲା ମୋର 1, 2ର√ ହେଲା ମୋର √2, ତାହେଲେ ମୋର 45 ହେଲା 1/√2, ହେଲା କି। ସେମିତି 60 କେତେ ମୋତେ ଦେଖିବ, 3/4, 3√√3, 3ର√ ହେଲା √3 ବାଇ 4√2, ତାର ମୋର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଗଲା √3/2। ସେମିତି 4/4 ମୋର କଟିଗଲା, ରହିଲା କେତେ 1, 1√ ଓଭର = 1, ତାହେଲେ sin 90 = ମୋର ହେଲା କେତେ ନା 1, ସାଇନ୍ ନ ପିଲେ ପାଇଗଲେ ହଁ ସରିଲା, କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, କ୍ରିସ୍ କ୍ରସ୍, ଆର ଫାଷ୍ଟ ନେଇ ଆସ ଆର ଲାଷ୍ଟକୁ, ଆର ଲାଷ୍ଟ ନେଇ ଆସ ଆର ଫାଷ୍ଟକୁ, ହେଲା କି। ତାହେଲେ ଏଇଟା 1 ହେଇଯିବ, ଏଇଟା 0 ହେଇଯିବ, ସେମିତି ଆର ସେକେଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ, ଆର ସେକେଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ, ଆର ସେକେଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ, ଆର ସେକେଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର √3/2, ଏଇଟା ହେଲା ମୋର 1/2, ଆ ପାଇଁ ଭାଇ କି ନା ତୁ ଭାଇ ତଳକୁ ଖସ, 1/√ ପାଇଲା, ହେଇଗଲା। ବାସ୍ ଏବେ ଟ୍ୟାନ୍, ସାର୍ ଟ୍ୟାନ୍ ଟ୍ୟାନ୍ କେମିତି କ'ଣ ଭାରିବା, ଟ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ବୋଲେ, ମୁଁ ପଢ଼ିଛି tan x = sin x / cos x, sin x / cos x, ତାହେଲେ ସେମିତି tan 0° ତମର କେତେ ନା sin 0/cos 0, sin 0/cos 0, sin 0 ହେଲା ମୋର 0, cos 0 ହେଲା ମୋର 1, sin 0 ହେଲା ମୋର 0, cos 0 ହେଲା ମୋର 1, ତାହେଲେ 0/1 ମୋର ହେଲା 0। ସେମିତି ଏଇଟା କ'ଣ ମୋତେ sin 30/cos 30, 1/2 / √3/2, ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରେ କହିଛି ଓଲଟି ଯିବ, 2/√3, 2 କଟିଗଲା, 1/√3, 1/√3, ସେମିତି ପିଲେ କୁହ ଏଇଟା ବିଭକ୍ତ କ ଏଇଟା କେତେ ହବ 1, ସେମିତି ପିଲେ ଏଇଟା କୁହ ଓଲଟି ଗଲା, ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଗଲା √3, ହଁ ଏଇଟା ହେଲା 1/0। ଏବେ ପିଲା ପଚାରିବେ ସାର୍ 1/0 କେତେ, ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ନା 1/0 କେତେ, ଏବେ ପିଲେ କୁହ 1/0 ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ, 1/0 ଯା ପିଲା, ତମେ ମୋତେ ପଚାରିବ ସାର୍ 1/0 ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ, ଏଥିରେ ମୁଁ କହୁଛି 90% ପିଲାଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସାର୍ 1/0 ହେଉଛି ଆମର 0, 90% ଦେଖ 1/0 = 0, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ତାର ହେଲା ଆମର କେତେ, ସରି 1/0 କହୁଛି, ତାହେଲେ ପିଲା ଏଠି 90% ପିଲାଙ୍କର ଆନ୍ସର ଥିବ 1/0, 1/0 = ମୋର କେତେ ହେବ ନା 0 ହବ, 90% ପିଲା କହିବେ 1/0 ମୋର 0 ହବ, ହେଲା କି। ଦେଖ ପିଲେ 0/1 = 0, ତାର କ'ଣ 1/0 ବି 0, ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ 0/1 ଦେଖିବା, ଆମେ ଫାଷ୍ଟ 0 ଦେଖିଛେ, 0/1, 1ରେ କେତେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ମୋର 0 ହବ, 1ରେ 0 ଗୁଣିଲେ ମୋର 0 ହବ, 1 × 0 = 0, ତା ଆନ୍ସର ହେଲା ମୋର 0। ସେମିତି ପିଲେ କୁହ ଏଇଟା 1/0 ମାନେ କ'ଣ, 0କୁ ହାରି 1କୁ ହାରିବି 0 ଦ୍ୱାରା, ତାହେଲେ ପିଲେ କୁହ
ଶୂନରେ କେତେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ମୋର ଏକ ହବ? ଶୂନରେ କେତେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ମୋର ଏକ ହବ? ସାର୍ କିଛି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ମୋର ଏକ ହବ ହିଁ ନାହିଁ, ଶୂନରେ ଯାହା ଗୁଣିଲେ ଶୂନ ହିଁ ବାହାରିବ। ତା ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ନଟ୍ ଡିଫାଇନ୍ଡ, ଆକୁ ମୁଁ ଡିଫାଇନ୍ ହିଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଏମିତିଆ କିଛି ଭାଲ୍ୟୁ ହିଁ ନାହିଁ। ପାଇଲା? ତାହେଲେ ବୋଲେ ଯେମିତି ଆମେ ସାଇନ୍ କସ୍ ପାଇଁ ଯାହା କରିଥିଲେ ଆମେ ଟ୍ୟାନ୍ ଆଉ କଟ୍ ପାଇଁ ବି ସେୟା କରିବା, ମାନେ ଆର ଜିରୋ ତାର ନାଇଣ୍ଟି, ତାର ନାଇଣ୍ଟି ଆର ଜିରୋ, ଚାଲ ନଟ୍ ଡିଫାଇନ୍ଡ, ଆର ନଟ୍ ଡିଫାଇନ୍ ଥିଲା, ଏ ଜିରୋ ଭାଇ ଭାଇ ଏ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ, ଏ ହେଲା ମୋର ୱାନ୍ କୁ ୱାନ୍ ଖସିଲା, ଏ ମୋର ୱାନ୍ ବାଇ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ। ପାଇଲା? ତାହେଲେ ମୋର ଟ୍ୟାନ୍ କଟ୍, ତାପରେ ମୋର ସାଇନ୍ କସ୍, ଚାରିଟାରେ ଭାବି ଭାଗ ଦେବି। କିଛି ମନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଛି? କିଛି ମନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିନି, ହେଲା କି? ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଆସିବ ଦେଖ, ଟ୍ୟାନ୍ କଟ୍ ସାଇନ୍ କସ୍ ଗଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ନା, ମୋର ତାପରେ ଆସିଲା କୋସେକ୍ ଆଉ ସେକ୍, କୋସେକ୍ ଆଉ ସେକ୍। ପିଲା ଦେଖ, ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ବାରମ୍ବାର ପଢି ପଢି ଆସୁଛେ, ରେସିପ୍ରୋକାଲ ରିଲେସନ୍ସିପ୍, ରେସିପ୍ରୋକାଲ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ କ'ଣ ପଢ଼ିଛେ ନା, ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢିଛ ସାଇନ୍ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ କୋସେକ୍ ଏକ୍ସ, ତାମାନେ କୋସେକ୍ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ସାଇନ୍ ଏକ୍ସ। ସେମିତି ପିଲା ପଢିକି ଆସୁଛ ଆମର ସେକ୍ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ କସ୍ ଏକ୍ସ, ତାହେଲେ ପିଲେ ସେକ୍ ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ କସ୍ ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ, 100% ହେଇଥିବ, ୱାନ୍ ବାଇ କସ୍ ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ, ହଁ ନା? ହଁ ସେ ହବ। ତାହେଲେ ମୋତେ କୁହ ସେକ୍ ପାଇଁ ହେଲା ୱାନ୍ ବାଇ ସେକ୍ ଜିରୋ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ କସ୍ ଜିରୋ, କସ୍ ଜିରୋ ମୂଲ କେତେ ଏକ, ପକାଅ ଏକ, ଏକ ବାଇ ଏକ କଟିଗଲା, ରହିଲା ମୋର ଏକ, ତାହେଲେ ମୋର ସେକ୍ ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଲା ଏକ। ସେମିତି ୱାନ୍ ବାଇ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଟୁ, ଠିକ ଆର ଓଲଟାଟା ହେଇଯିବ, ଟୁ ବାଇ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ, ଆର ଓଲଟାଟା ହବ ରୁଟ୍ ଟୁ, ଏଟା ଓଲଟି ଯିବ ଟୁ, ଏଟା ଓଲଟି ଗଲା ଜିରୋ ବାଇ, ଏଟା ଆମର ଏଟା ଜିରୋ ଥିଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କେତେ ନା ୱାନ୍ ବାଇ ଜିରୋ। ପିଲେ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ୱାନ୍ ବାଇ ଜିରୋ ହେଲା ଆମର ନଟ୍ ଡିଫାଇଣ୍ଡ, କ'ଣ ହେଲା ନଟ୍ ଡିଫାଇଣ୍ଡ, ତାହେଲେ ଦେବିଟି ମୁଁ ନଟ୍ ଡିଫାଇଣ୍ଡ ହେଲା। ସେମିତି ସାଇନ୍ କସ୍ ଯୋଡ଼ି ପାଇଁ ଯାହା କରୁଥିଲେ, ଟ୍ୟାନ୍ କସ୍ ଯୋଡ଼ି ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ସେ କୋଷ ଯୋଡ଼ି ପାଇଁ ବି ସେ କହିଲା, ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ 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 ନଟ୍ ଡିଫାଇଣ୍ଡ, ଇଏ ଆମର ହେଇଗଲା ଟୁ, ହେଇଗଲା ଆମର ରୁଟ୍ ଟୁ, ଇଏ ଭାଇ ଆମର ହେଇଗଲେ ଟୁ ବାଇ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ, ଇଏ ଆମର ଭାଇ ହେଇଗଲେ ୱାନ୍। ପିଲେ ଆକୁ ଯଦି ଚାହିଁବି ମୁଁ ୱାନ୍ ବାଇ ସାଇନ୍ ବି କରିପାରିବି, ଦେଖୁନା ଜିରୋ, ତାହେଲେ ୱାନ୍ ବାଇ ଜିରୋ, ୱାନ୍ ବାଇ ଜିରୋ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଇନଫିନିଟି, ଏଇଟା ଓଲଟା ଟୁ, ଟୁ ଆସିଛି ଏଇ ରୁଟ୍ ଟୁ ଆସିଛି ଏଇ ଟୁ ବାଇ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ଆସିଛି, ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଏଇଟା ଭାଇ ଏଇଟା ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ୱାନ୍ ଆସିଛି, ଆର ସି ପ୍ରକାର ସାଇନ୍ ଆର ସି ପ୍ରକାର। ପିଲେ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଟେବୁଲ ବି ମୋର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଟେବୁଲ ବି ମୋର ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ମ୍ୟାଥ ପରୀକ୍ଷାକୁ ୱିଦାଉଟ ଟେନସନ୍ ଯିବି, ୱିଦାଉଟ ଏନି ଫର୍ମୁଲା ଯିବି, ହେଲା କି? କିଛି ଫର୍ମୁଲା ଘୁସିବି ନା, ପୁରା ଯିବି ବସିବି ଟୋଟାଲି, ମାନେ କହୁଥିବା ଗୋଟେ ମାତ୍ର ପେପର ଯୋଉଥିରେ ମାନେ ଆରାମସେ ଇଜିଲି 100 out of 100 ଆସିପାରିବ। ଆଇଡେଣ୍ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭାଇ, ତମେ 5 ବର୍ଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଠେ ଦେଖ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା 10-15 ବର୍ଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟ୍ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ମ୍ୟାଥରେ 100 ରୁ 80% ରଖିଦେବ, ଦେଖାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ପଳେଇଯାଉଛି ଠିକ୍ ସେ, ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ବୁଝିଲା ସରିଲା, କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଏଥିରେ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଏ ହେଲା ଆମର ଟ୍ରିଗ୍ନୋମେଟ୍ରି ସୁପର କ୍ଲାସ୍, ହେଲେ କି ଆ ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢିବା LHS RHS ର ପ୍ରୁଫ ର କହନ୍ତି ରାବ ୱାନ ନିରାଜ, ମାନେ ତମେ ଭାଇ ତୁ ଯୋଉ କୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେ, ମତେ କୋଉ ବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଛି ଦେ, ମୋର 3 ରୁଲ୍ ସବୁ ହେଇଯିବ, 7ଟା 8ଟା ଫର୍ମୁଲା, 3ଟା ରୁଲ୍, ସେ ଫର୍ମୁଲା ବି ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ, ଦେଖ ଫର୍ମୁଲା ବି ମୋର ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ, ଟେବୁଲ ବି ମୋର ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ, ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ହେଡ଼ାକ୍ ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି। ତାହେଲେ ଟ୍ରିଗ୍ନୋମେଟ୍ରି ପାଇଁ ଆଜିର ଆମର ଏତିକି, ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ଆମର ଏତିକି ରହିଲା, ହେଲା କି? ପିଲେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେନ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର ଲାଇକ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ହେଲା କି? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରିଗ୍ନୋମେଟ୍ରି ଖାଲି ନୁହଁ, ତମର ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ହେଲା, ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ହେଲା, ହେଲା ତାର ଇଂଲିଶରେ ଗ୍ରାମାର ଯାହାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତା ପାଇଁ ସୁପର ସୁପର ଟ୍ରିକ୍ସ ଆସିବ, ହେଲା କି? ଭଲ ଭଲ ଅଥର୍ମ ବହିକୁ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ହେଲା କି? ଯେମିତି ଆମ ଆମର ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ମାନେ ପାଠ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଢିବ ନା, ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାର ଭଲ ମାର୍କ ରହିବ, ହେଲା କି? ଭଲ ମାର୍କ ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ କରିଦେବ, ଘୋଷା ବିଦ୍ୟା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ସେ ଏଭାପୋରେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଏଭାପୋରେଟ୍ ମାନେ ଜାଣିଛ ନା, ଏ ଯେଉଁ ଗନ୍ଧ କପଡ଼ା ଦେଇଦେବ ସେ ଭ୍ୟାପର ହେଇଯିବ, ସେ ଭ୍ୟାପର ହେଇଯିବ, ହେଲା କି? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ବି ମୁଁ ପଢୁଛି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି,